हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन वीडियोस के आ सके। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। आज 16 जून और हम बात करने वाले विप्रो के बारे में। तो देखिएगा, विप्रो ने फ्राइडे को अपना एक 52 वीक का हाई बनाया है। वो 52 वीक का जो हाई है वो देखिएगा तकरीबन 301.60 के लगभग था। अब ये जो हाई इसने बनाया था, देखिएगा इसके पीछे वजह क्या है, हम इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, इसके जो क्वार्टर फोर के नतीजे थे वो देखिए तकरीबन मॉडरेट किस्म के थे, वो इस तरीके के नहीं थे कि इसका इतना 52 वीक का हाई बनना चाहिए। हालांकि अगर आप चीजों को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो बायबैक की न्यूज आई है उसकी वजह से ही देखिए कहीं ना कहीं इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए आइए बात करते हैं बायबैक किस तरीके का है। तो देखिए, इस बायबैक में तकरीबन विप्रो 32 करोड़ 30 लाख के लगभग अपने फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपए के लगभग है और देखिए जो रिप्रेजेंट करता है 5.35% के लगभग टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को। तो देखिए, जो वैल्यू उन्होंने फिक्स करी है बायबैक के लिए वो 325 पर इक्विटी शेयर की है और उसके लिए जो पैसा खर्च करा जाएगा वो तकरीबन 10,500 करोड़ के लगभग होगा। आगे बात करेंगे, देखिएगा जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है इस सब सेटअप को करने के लिए वो है जून 21 और इन्होंने ये भी बताया है कि जो पार्टिसिपेशन करने की आपकी आखिरी डेट है वो जून 19 होगी। तो इस चीज को आपको समझ के चलना है। वहीं बात करेंगे जो बायबैक की स्ट्रेटेजी है वो क्या है। देखिए, उसमें जो एलिजिबिलिटी रेशियो रखा गया है वो तकरीबन 60 से 65% के लगभग इन्होंने ये एलिजिबिलिटी रेशियो रखा है। अब ये इन्होंने कब रखा है ये एलिजिबिलिटी रेशियो, किस तरीके से माना है वो देखिए, तब जब लीस्ट नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस चीज को आपको समझ के चलना है कि जब ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब जाके 60 से 65% ये एलिजिबिलिटी रेशियो इन्होंने रखा है। और ये कहते हैं कि जो रियल एक्सेप्टेंस रेशियो बन जाएगा वो तकरीबन 15 से 20% हायर होगा और इन्होंने एस्टिमेट किया है कि जो एक्सेप्टेशन जो एक्सेप्टेंस होगी वो रेशियो वो तकरीबन 70 से 75% के लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज को आपको समझ के चलना है, ये स्ट्रेटेजी है इनकी इस तरीके से जो फिजिबल होगी। आगे बात करते हैं जो इनके क्वार्टर फोर के नतीजे थे, क्योंकि देखिएगा क्वार्टर फोर के नतीजे भी एक बार देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप उसमें किसी तरीके से भी लॉन्ग रन अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो देखिए जो क्वार्टर फोर के नतीजे थे यानी कि मार्च 2019 कंपेयर करते हैं क्वार्टर थ्री यानी कि दिसंबर 2018 से, तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाके जब हम देखते हैं तो नेट सेल्स हमें जो देखने के लिए मिलती है जो कि पहले आपको देखने के लिए मिलेगी 15,059 करोड़, तो देखिए जो अब कम हो चुकी है तकरीबन इनकी सेल्स इस बार डाउन हुई है क्वार्टर फोर्थ में जो कि 15,006 करोड़ के लगभग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.35% के लगभग एक छोटा सा आपको सेल्स में कमी दिखाई देगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, जो पहले तकरीबन 3,293 करोड़ था क्वार्टर थ्री में, अब हो चुका है 3,259 करोड़, तो यहाँ पे भी जो डिक्लाइन है वो तकरीबन 1% के लगभग है। आगे बात करेंगे, देखिए जो इनका नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है जो पहले 2,510 करोड़ के लगभग था वो हो चुका है 2,483 करोड़, तो यहाँ पर भी तकरीबन 1% से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। तो देखिए आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट डिक्लाइन हुए। प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए जो पहले 21.87 था अब 21.50 के लगभग हो चुका है, तो ये भी डिक्लाइन है आपका तकरीबन 0.37% के लगभग। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जाके देखते हैं तो देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप चीजों को देखें तो देखिए जो पहले आपको मार्च 2018 में 13,768 करोड़ के लगभग दिखाई दिया वो तकरीबन 15,000 करोड़ के लगभग हो चुका है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट सेल्स काफी अच्छी है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पहले दिखाई दे रहा था तकरीबन 2,453 करोड़, अब हो चुका है 3,259 करोड़, यानी कि देखिएगा ये भी बड़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में तो देखिएगा जहां आपको पहले दिखाई देगा ये 1,800 करोड़ से ज्यादा, वहीं अब आपको दिखाई देगा ये तकरीबन 2,400 करोड़ से ज्यादा, तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे रिजल्ट आए हैं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पहले जो 17.82 था अब हो चुका 21.50, तो देखिए ये भी आपको बढ़िया चीज देखने को मिली, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको अच्छे नतीजे देखने के लिए मिले हैं। तो वहीं विप्रो काफी प्रेस्टीजियस कंपनी है जो अपने निवेशकों के बारे में हमेशा काफी हद तक सोचती है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी डाइल्यूट करी है 0.45% के लगभग जो कि अब इस क्वार्टर में हो चुकी है 73.85,
वहीं FFIs ने भी देखिए खरीदारी करी थी 0.48% के लगभग और वो हो चुकी है 8.93%। म्यूचुअल फंड्स ने घटाई अपनी हिस्सेदारी 0.42% के लगभग और हो चुकी है इनकी क्वार्टर फोर में 1.56%। वहीं बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज की तो 0.09% के लगभग इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 4.44% के लगभग हिस्सेदारी हो चुकी है, 1.52% के लगभग हिस्सेदारी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाई है, हिस्सेदारी हो चुकी है 8.44%। अदर DIIs की बात करते हैं तो देखिएगा इन्होंने 3.49% के लगभग घटाई है और ये निकल चुके हैं इसमें से, 0.51% के लगभग इनकी हिस्सेदारी रह गई है। मेजोरिटी स्टेक होल्डर प्रमोटर्स हैं, आज तक प्लेज कुछ भी नहीं रखा इन्होंने, यानी कि गिरवी कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड्स की 27 स्कीम्स लगी हुई है और 651 FFIs ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जिनका स्टेक्स 8.93% के लगभग है। तो देखिए ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है। वहीं आप अगर जाके देखते हैं तो देखिए फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ वो तकरीबन 79 लाख के लगभग था जिसमें 46% के लगभग हुई थी डिलीवरी। अब आप समझ सकते हैं 58.97% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज है और तकरीबन 26,000 से ज्यादा लगे हुए हैं इसमें बाइंग के ऑर्डर्स। और आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग थी 298.80 के लगभग इसमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है, यानी कि अगर आप देखें तो 40 पैसे के लगभग हमने बढ़त हासिल करके क्लोजिंग करी अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से, तो इस चीज को आप समझिएगा। वही देखिएगा 5 पैसे की बढ़त के साथ हमने तकरीबन क्लोजिंग दिखाई थी विप्रो ने अपनी फ्राइडे को। तो देखिए ओवरऑल चीजें इस तरफ इशारा करती है, 325 रुपए के लगभग इन्होंने बायबैक अनाउंस किया है और वो क्राइटेरिया क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए आई होप आपको इस सबसे काफी मदद मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा होगा लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स का ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।